शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि राशियों के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार ये पूरा जो आपका ग्रह चक्र है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जो मेष राशि वाली है उनके लिए ये समय थोड़ा अप डाउन भरा है। पॉजिटिव तो आपको चेंजेस मिल ही रहे हैं पिछले 2-3 सप्ताहों से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चेंज आने में, ट्यूनिंग होने में हमको थोड़ा सा बैलेंस लगता है। मतलब कि पॉजिटिव समय आता है तो हमारा निगेटिव वाइब्रेशन आता है, तो निगेटिव वाइब्रेशन और जब धन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिलता है तो निश्चित ही थोड़ा सा रिलैक्स मोड में तो हम आते हैं। साथ ही साथ हमारी सोचने की दिशा भी खुलती है, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है ना तो उससे हमारे को जो एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि क्या होता है, देखिए कई बार प्रयास करते रहो और उसके साथ जो लगातार हमारे साथ असफलताएं आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें तोड़कर रख देती हैं। तो जो पॉजिटिवनेस एनर्जी होती है, जब कोई हमारा कार्य सफल होता है तो हमें सफलता का एक अलग मजा होता है। तो हमें एक अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर भर जाता है कि हम अपने कार्य को संपन्न कर लेंगे। तो वही स्थिति आपकी चल रही है, तैयार हो जाए, बिल्कुल करो और मरो की स्थिति है। तो आप बिल्कुल कार्य करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि के विषय में। तो जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं उनकी जो ग्रहों की स्थिति है उनके लिए धन लक्ष्मी कारक योग बना रही है। चंद्रमा का आशीर्वाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करेगा। अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने की आपको संभावना है, जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान हो सकता है आपको एक पल एक क्षण में मिल जाए, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हुई थी। कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य सोचते हैं, हम परेशान भी होते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है उसको व्यर्थ में ना जाने दें और व्यर्थ के विवादों से भी दूर रहें और व्यर्थ के विवाद से भी बचें। यही आपके लिए कारगर होगा। समय अच्छा है, उसका लाभ उठाएं, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो अब हम चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के विषय में। तो जो मिथुन राशि के व्यक्ति हैं उनकी जो ग्रहों की जो स्थिति है वो उनके पूरे इर्द गिर्द घूम रही है। कई राशियों का संयोग उनको एक चक्र में ले रहा है, कोरा में ले रहा है, जिससे वो अपने जीवन से संबंधित कई चैप्टर समझेंगे कि कैसा लोगों का बिहेव होता है, कैसा लोगों का आना जाना हमारे जीवन में, उनका जो परिवर्तन होता है, या एक बोलते हैं ना संयोग और असंयोग की जो भावनाएं होती हैं वो दोनों ही पक्ष आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जीवन में किसका साथ चाहिए और किसका साथ नहीं चाहिए। साथ ही साथ अपने कार्य और व्यापार में और पढ़ाई की स्थिति में भी आप बहुत आगे जाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन आपको पॉजिटिव दिशा की तरफ लेगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि के सितारे हमें क्या बताते हैं। जो कर्क राशि के सितारे हैं वो उनके लिए काफी हानिकारक वातावरण लेके आ रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी मुकदमे में तो फंसने वाले ही हैं, मुझे दिखते आ रहा है, लेकिन अपनी सोच को आप बदल लें, अभी भी आपके पास अवसर है, अन्यथा आप ऐसे भंवर में फंस जाएंगे जिसमें आप जाके फंस तो जाएंगे लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो जीवन में ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो आपके लिए हानिकारक, तो सोच समझ कर निर्णय लें। कार्य भी आपका है, समय आपके पक्ष का नहीं है। मैं आपको चेतावनी दे सकती हूं कि समय आपका पक्ष का नहीं है, तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि आपको उससे नुकसान हो। कार्य आपको करना है, निर्णय भी आपको लेना है, सोच समझ कर विचार करिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सिंह राशि के विषय में। तो जो सिंह राशि के व्यक्ति हैं उनके जीवन में फाइनेंशियल स्थिति तो थोड़ी सी खराब होगी, साथ ही आपका मन भी खिन्न रहेगा। पता नहीं किसी ऐसी चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं, कोई पुराना मित्र आपको तकलीफ दे सकता है, पुराना प्रेम संबंध आपको तकलीफ दे सकता है, आपके संतान भाव से आपको कोई समस्या आ सकती है, आपके ऑफिशियल मैटर पे आप उलझ सकते हैं, किसी सहकर्मी के साथ आपका विवाद हो सकता है। तो कुल मिलाकर अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, जिससे कि आपके जीवन में चल रही समस्याएं थोड़ी कम होंगी, क्योंकि हमारी वाणी में इतनी ताकत होती है जो हमारे काम बना भी सकती है और हमारे कार्य बिगाड़ भी सकती है। तो सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि के विषय में। तो जो कन्या राशि है उनके लिए स्थिति पहले से तो बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ग्रहों का त्रिकोणीय जो एक संयोग मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक ग्रह आपको उन्नति की तरफ खींच रहा है, दूसरा आपके वैवाहिक जीवन को समस्या में ला रहा है, और तीसरा आपको ऐसे डायरेक्शन पे चलने के लिए बोल रहा है
जो आपके लिए शायद गलत हो, तो आप व्यथित ना हो। कई बार हमारी ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि हमें कई रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन ये हमारा विवेक होता है कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है, क्योंकि सही समय पे लिया गया सही निर्णय ही हमारे जीवन में हमारी गति को बढ़ाता है। क्योंकि हर बार आपको अवसर मिले ये जरूरी नहीं है, तो सही अवसर का लाभ उठाएं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं अब तुला राशि के विषय में। तो जिनकी राशि तुला है उनके जीवन में भी पहले से ठहराव की स्थिति है, आपको काम में भी सफलता मिलेगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। नए व्यक्ति के साथ आपके प्रेम संबंध स्थापित होने से आपका वैवाहिक जीवन कष्ट में आ सकता है। तो इन सारे जो बोलना चाहिए कि निगेटिविटी है उसको अपने जीवन से हटाएं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहता है। तो आप एक नई मुसीबत को आमंत्रण अपनी लाइफ में क्यों दे रहे हैं? वैसे भी आपकी ग्रहों की स्थिति बेटर मुझे नहीं दिखाई दे रही है, सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। तो वृश्चिक राशि तो वैसे ही शनि साथी के प्रभाव में है, तो वृश्चिक राशि वाले जातक क्या कर रहे हैं? कभी सही निर्णय ले रहे हैं, कभी गलत निर्णय ले रहे हैं, अर्थात हमेशा संशय की स्थिति इनके जीवन में बनी हुई है। इन्हें खुद ही नहीं मालूम कि इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। शनि न्याय के देवता होते हैं, मति को भ्रष्ट करते हैं। जिनका कर्म अच्छा नहीं होता उनके भाग्य को शनि बिल्कुल भी प्रबल नहीं होने देते। तो क्या आप अपने कर्मों को इतने गलत डायरेक्शन पे ले जाएंगे जिससे कि आपकी चीजें खराब होने लग जाए? सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा नुकसान होगा। चलिए चर्चा करते हैं अब धनु राशि के विषय में। तो धनु राशि वाले जो जातक हैं उनकी जो ग्रहों की चाल है वो भी उनके लिए विपरीत चल रही है। आप कई मामलों में उलझ सकते हैं, अचानक विवाद में पड़ सकते हैं, आपके ऊपर कोई केस हो सकता है, आपकी सरकारी नौकरी जाने का मुझे प्रबल योग दिखाई दे रहा है, आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। वाणी पे जो आपका संयम नहीं है आप अपनी चीज़ों को बिगाड़ देंगे, लालच में मत पड़े, अन्यथा आपका अत्यधिक नुकसान होने वाला है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मकर राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मकर है उन्हें सोच समझ कर आगे बढ़ना है। किसी ऐसी दिशा में आप अपने आप को मत ले जाइए जिस रास्ते पे चलने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है अपने जीवन में अपने परिवार में अपने चीज़ों को संभाल कर रखें। जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है या जिस चीज़ का आगमन आपके भाग्य में हो ही नहीं सकता उस चीज़ पे विचार करने का मतलब है अपने समय का दुरुपयोग करना। तो समय का सदुपयोग करें, वही आपके लिए हितकर होगा। चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के विषय में। तो जो कुंभ राशि का ग्रहों का जो ओरा है आपके चारों तरफ जो घूम रहा है वो आपके लिए एक पॉजिटिव और निगेटिव सर्कल का मिश्रित वाइब्रेशन है। तो ये वाइब्रेशन आपको कई ऐसे कार्य कराएगा जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे और कई ऐसे कार्य कराएगा जो आपके लिए निगेटिव होंगे। विचार आपका है, कर्म भी आपका है, भाग्य भी आपका है। ग्रह तो आपको हमेशा सही और गलत डायरेक्शन पे ले जाने का प्रयास करते। देखिए कोई भी व्यक्ति भगवान के यहाँ से बुरे कर्म कर नहीं आता, वो हमारा विवेक होता है जो हम किस दिशा में अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा नुकसान होगा। चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मीन है उनकी ओरा भी थोड़ी निगेटिव है। आपको अपने लोगों से धोखा हो सकता है, पैसा आपका फंस सकता है और घर की प्लानिंग जो आप बहुत दिनों से कर रहे थे शायद बनते बनते रह जाए। तो कुल मिलाकर समय आपके पक्ष का नहीं हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखें, समय आपके अनुकूल हो जाएगा। तो आपने जाना कि राशियों के अनुसार ये कैसा ग्रहों का आपकी चाल रहेगी या ग्रहों की गति आपकी किस प्रकार रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपनी किसी प्रॉब्लम का सलूशन आप चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।